ओ आयरन मैन चले जाए यहाँ से वरना तू खत्म हो जाएगा। लॉस सैंटोस की रक्षा करना मेरा काम है और वो मैं करके रहूंगा चाहे मैं मर क्यों न जाऊं। अच्छा तो फिर तेरी मरने की इच्छा आज मैं पूरी कर ही देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? गया साला आयरन मैन, अब ये कभी मेरे रास्ते में नहीं आएगा, वो जा रहा। अरे मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ कोई तो, खून बह रहा है मेरे, सूट फटने वाले, सूट फटने वाले, जार्विस, जार्विस, अरे जार्विस काम नहीं कर रहा। तो चलो यार फटाफट से सारा का सारा कचरा यहाँ से उठा लेते। अभी यार मैं बहुत देर से कचरा जमा कर रहा हूँ और यहाँ पे भी जो कचरा है वही मुझे उठाना है, तो यहाँ पे थोड़ा यार कचरा मुझे दिख रहा है, फटाफट से उठा लेता हूँ उसको मैं। तो यार अभी मैंने सारा का सारा कचरा साफ कर दिया, फटाफट से बैठते हैं गाड़ी के अंदर और ये सारा का सारा कचरा जो अपने डंप यार्ड है जहाँ पे हम सारा का सारा कचरा फेंकते हैं वहाँ पे फेंक के आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं कचरे का काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार अपने आस पास सराउंडिंग्स को क्लीन करना चाहिए, अच्छी चीज है वो, तो फटाफट से सारे सारे कचरे को फेंक के आते हैं। एक तो मेरी गाड़ी यार भारी भारी लग रही, मुझे समझ नहीं रहा ऐसा क्या भारी कचरा उठा लिया मैंने। एक सेकंड, अरे स्पाइडरमैन हल क्या कर रहे हैं? ए लड़के रुक जा। अरे हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या हो गया स्पाइडरमैन हल्क? अरे फ्रैंकलिन तुम क्या कर रहे हो? अरे फ्रैंकलिन तूने आयरन मैन को पकड़ा है। क्या आयरन मैन को पकड़ा है? अबे क्या बोल रहे हैं? अरे ओए हमने आयरन मैन को ट्रैक किया, वो तेरी गाड़ी में दिखा रहा है। अरे रुको रुको मैं देखता हूँ। अरे आयरन मैन, अरे आयरन मैन मिल गया मुझे। अबे क्या ये मेरी गाड़ी में कैसे आया? अरे हमें क्या पता, तुम इसको पकड़ के लेके गए थे कहीं पे। अरे मैं कहीं पकड़ के नहीं लेके गया था। अरे आयरन मैन उठना, हेलो। अरे मुझे लगता है इसने इसको मार दिया। अरे पागल हो क्या, मैंने नहीं मारा। अरे देखो इसकी गाड़ी में खून भी है। अरे वो कचरा है, खून नहीं है। एक सेकंड ये क्या है? अबे तो खून नहीं है। अरे मैंने बोला था ना इसने इसको मार दिया। अरे मैंने नहीं मारा सही में। अरे चलो चलो एवेंजर्स हाउस चलते हैं इनको लेके। तो गाइस यार अभी यार यहाँ पे डॉक्टर और पुलिस वाले आ चुके हैं, ये देख रहे हैं आयरन मैन के साथ क्या हुआ है। अरे मैंने सही में नहीं मारा है, मुझे पता भी नहीं, मैं तो कचरा जमा कर रहा था और ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे तो क्या हवा में से टपका गया ये? अरे मेरे को नहीं पता सही में। मुझे लग रहा है ये फ्रैंकलिन झूठ बोल रहा है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरे इधर आइए। हाँ डॉक्टर बोलो बोलो। अरे ये आयरन मैन मर चुका है। क्या मर चुका है? क्या मर चुका है? अरे क्या मर चुका है? मुझे लगता है किसी बड़े से मॉन्स्टर ने इनको बहुत ही बुरा मारा है। देखो देखो बड़े से मॉन्स्टर ने, मैंने नहीं मारा, बच गया मैं। पर एक सेकंड। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ आयरन मैन के फ्यूनरल पर। अब यार ये तो हो चुका है कि मैंने नहीं मारा उसको, पर किसने मारा अभी हमें ये पता करना है। आयरन मैन मतलब मर चुका है, आप सोच सकते हो भाई कितना ज्यादा बुरा हुआ है, सब बहुत ही ज्यादा दुखी में। यहाँ पे आयरन मैन को मार दिया गया है, अब क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है अब आयरन मैन नहीं रहे, पर अब क्या ही कर सकते है, उनकी खुशियां हमारे साथ है। वो सबसे स्मार्ट आदमी थे, उनके पास इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां थी, उनकी गाड़ी में मैं घूमता था, मजा आता था। तो गाइस यार रेस्ट इन पीस आयरन मैन, फटाफट जाके कमेंट में लिख देना यार आयरन मैन बहुत ही अच्छा था। पर कोई बात नहीं, जिसने भी उसको मारा है हम उसको ढूंढ के रहेंगे। एवेंजर्स मीटिंग, क्या करना है भाई, किसी के पास कुछ प्लान है क्या? अरे प्लान क्या बनाना है, जिसने भी उसको मारा है पकड़ते हैं और उसको बहुत बुरा मारेंगे। मेरी बात सुनो, आयरन मैन ने एक बात छुपाई थी तुम सबसे। अरे कैप्टन अमेरिका क्या? आयरन मैन का एक बेटा भी है, चलो मैं तुम उसके पास लेके चलता हूं, उसने बोला था जब टाइम आएगा तब बताना है। हैं आयरन मैन का बेटा भी है और अभी हम उसके घर के बाहर खड़े हैं और ये कैप्टन अमेरिका को बुला रहा है उसको। चलो देखते हैं भाई कौन है आयरन मैन का बेटा। अरे कैप्टन अमेरिका अंकल कैसे हो यार, आ गया मैं, बोलो बोलो क्या हो गया? अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या तुम्हें पता चला कि आयरन मैन मर चुका है? अरे क्या पापा मर गए, ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ? अरे बेटा वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अब तुम तैयार तो ना, तुम्हें अपने पापा का वादा तो याद है ना? अरे अंकल मुझे याद है, चलो चलते हैं फटाफट से। हाँ बेटा चलो। अरे कौन सा वादा कैप्टन अमेरिका? आयरन मैन ने बोला था अगला आयरन मैन सिर्फ उसका बेटा ही बन सकता है, अभी इसको लेके चलेंगे हम एवेंजर्स हाउस। अरे बताओ मुझे क्या करना है, मैं आयरन मैन बनने के लिए कुछ भी करूंगा। बेटा हल्क और मैं तुझे ट्रेन करेंगे, तेरी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करेंगे और स्पाइडर मैन तेरे लिए सूट बना के देगा। चल 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 भाग और तेज भाग और तेज भाग। अरे मैं थक गया यार। अरे तुझे आयरन मैन बनना है कि नहीं? बनना है बनना है। तो भाग मेरे साथ, चल मेरे साथ, हम ट्रेनिंग करके बनेंगे आयरन मैन। चल चल चल, तेरे पापा आयरन मैन हमेशा 100 पुशअप करते थे, वो भी 10 सेकंड में, तेरे को भी करने पड़ेंगे, और तेज कर और तेज कर। अरे यहाँ पे तो मस्त मस्त सूट पड़े। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तुझे इससे भी खतरनाक वाला सूट बना के दिखाऊंगा, आयरन मैन ने मुझे सिखाया था कैसे सूट बनाना होता है। तो गाइस यार अभी मैं आ चुका हूँ इस वेनम के पास, इसके बाद पूरी दुनिया भर की खबर होती है। वेनम क्या तुझे पता है आयरन मैन को किसने मारा है? मेरे को पता है आयरन मैन को किसने मारा है। किसने मारा है? वो है, अबे जल्दी बोलना। ब्लू हल्क ने। क्या ब्लू हल्क?
उसने मारा आयरन मैन को, पर क्यों मारा? रुको, मैं उससे जाके पूछूंगा। तो गाइस यार, अभी मैं आ चुका हूँ ब्लू हल्क के पास और उससे जाके मैं पूछने वाला हूँ कि उसने हमारे आयरन मैन को क्यों मारा। ब्लू हल्क चुपचाप से बता दे। ओए धीरे बात कर, पास में देख ले कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अच्छा हाँ, ब्लू हल्क तूने आयरन मैन को क्यों मारा है मुझे पता चल गया है, तूने मारा है। ओए पता चल गया, चल कोई बात नहीं, हाँ न्यूज में भी छपवा दियो मैं नहीं मारा है उसको और सारे के सारे एवेंजर्स को मारूंगा जो भी मेरे सामने आएगा। देखो पता है ना उसका बेटा भी एक, अरे वो चिटकू, हाँ हाँ उसको भी भेजना लड़ने, उसको भी मारूंगा। वो तेरी चटनी बना देगा। ओए क्या बोला मैं? कुछ नहीं, वो तेरी चटनी बना देगा, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ। एक तो इसके इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है, वरना मैं ही मार देता अभी, मेरे को तो कोई सूट की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है आयरन मैन को किसने मारा था, वो था ब्लू हल्क। ब्लू हल्क ने आयरन मैन को मारा है। अरे क्या, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे पापा को मारा है, बस इस सूट को मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा, पूरा का सूट बना के उस ब्लू हल्क और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। A few moments later. आखिरकार मेरा सूट बन गया। पापा ने मुझे हमेशा बोला था जब भी मैं उनके सामने सूट पहनूंगा तो वो मुझे उड़ना सिखाएंगे, पर मुझे अकेले सब सीखना पड़ेगा। उस ब्लू हल्क को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अरे आ गया हमारा अगला आयरन मैन। अरे थैंक यू, अभी मैं जा रहा हूँ और उस ब्लू हल्क की मैं चटनी कर दूंगा। अरे मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए। अरे नहीं हल्क, मैं सिर्फ अकेला जाऊंगा और मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे कुछ भी होता मैं बता देना। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं उसको मार मार के चटनी बना दूंगा। ब्लू हल्क तूने मेरे पापा को मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओए चिटकू आयरन मैन क्या हाल है, ओए कौन सा सूट चुरा के लाया, सर्कस का जोकर लग रहा है। आज ये जोकर तुझे और तेरे पूरे परिवार को मारेगा, ये ले सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को मारूंगा, निकलो, तीनों ने मेरे पापा को मारा, सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, सारे के सारे ब्लू हल्क को खत्म कर दूंगा, एक को भी इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। ये ले तू भी ले, तू भी निकल यहाँ से, ये ले निकल जा यहाँ से, सबको खत्म कर दूंगा, निकल यहाँ से। ओए तेरा ज्यादा हो रहा है, निकल यहाँ से, मेरे बॉडीगार्ड्स को मारा, अब मैं तुझे बताता हूँ मैं कैसे मारता हूँ। अरे तू क्या बताएगा मुझे, मैं तुझे बताऊंगा, हमेशा मुझे पापा ने बताया था जो भी तुम्हारा विलन है उसको कभी भी छोड़ना मत, बहुत तेज मारना। ओए तो आजा फिर, दो दो हाथ कर लेते हैं। तो आजा फिर, डरता नहीं हूँ मैं, ये ले आजा, यहाँ से तूने मेरे पापा को फेंका देना, यहाँ से मैं तुझे फेंकूंगा। ओए लगता है तुझे तेरे पापा की तरह तुझे भी यहाँ से फेंकने का मन है। अरे नहीं तू मुझे यहाँ से नहीं फेंक पाएगा, मैं तुझे यहाँ से फेंकूंगा, इधर आ यहाँ पे, निकल यहाँ से। ओए ऐसे कैसे, ये निकल यहाँ से तू। अरे ये तो मुझे मार रहा है, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आयरन मैन तू कर सकता है, तू कर सकता है। अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो गाइस यार, अब यार हमारा आयरन मैन ब्लू हल्क को बहुत ही तेजी से मार जा रहा है। ब्लू हल्क अब तेरा टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का, यहाँ से तूने मेरे पापा को फेंका था और मैं भी तुझे यहीं से ही फेंकूंगा, निकल यहाँ से, कभी मत आना। रुक जा रुक, अभी मुझे और गुस्सा आ रहा है, उसको और मारूंगा, वो देखो कैसे पहाड़ से गिर रहा है, निकल यहाँ से, अभी इसको उठा के फेंक दूंगा, निकल जा यहाँ से। अरे बस आयरन मैन, अरे बस आजा, अरे आजा बस बहुत हो गया। तो गाइस यार, अब यार हमारे चुटकू आयरन मैन ने ब्लू हल्क को हरा दिया और हमारा बन चुका है नया आयरन मैन और एवेंजर्स का लीडर हमारा आयरन मैन। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट में बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके जाना फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।